मायसेल्फ राहुल गुनावर और आज हम बात करने वाले हैं जो शोल्डर जॉइंट है उसका सेकंड वीडियो पढ़ेंगे अपन। तो अपन ने कहा था कि शोल्डर जॉइंट के जो फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने चार टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, उसके टाइप्स, उसके आर्टिकुलर सरफेस और फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी के बारे में देखा था और लिगामेंट्स के बारे में देखा था अपन। इस वीडियो के अंदर अपन उसके शोल्डर जॉइंट के बरसा, उसके रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और उसके मोमेंट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बरसा है, ये बरसा होता क्या है, करेक्ट। तो अगर बरसा की अगर बात की जाए तो तीन तरह के बरसा पढ़ेंगे अपन शोल्डर जॉइंट के अंदर। एक होता है सब एक्रोमियम बरसा, एक होता है सब स्केपुलर बरसा और एक होता है इंफ्रा स्पाइनेटस बरसा। जो ये सब एक्रोमियम बरसा होता है ये और सब डेल्टोइड बरसा होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब ये है पर्सन टू पर्सन वेरी करने का मतलब ये है कि मैक्सिमम की अगर बात की जाए, मैक्सिमम पर्सन की अगर बात की जाए तो उनके अंदर एक्रोमियम बरसा होता है, सब एक्रोमियम बरसा होता है। बट कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल होते हैं जिनके अंदर सब एक्रोमियम बरसा और सब डेल्टोइड बरसा होता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं, करेक्ट। तो इन दोनों को सब एक्रोमियम बरसा और सब डेल्टोइड बरसा को एक दोनों को एक साथ सब एक्रोमियम बरसा बोला जाता है। अब जानते हैं कि ये जो सब एक्रोमियम बरसा है ये सब एक्रोमियम बरसा होता क्या है और ये क्या करता है। तो पहले मैं थ्योरी देख लेता हूँ फिर डायग्राम से आपको क्लियर करूंगा कि ये है क्या चीज। ये सेपरेट एक्रोमियम प्रेसेस और कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट्स। कहने का मतलब ये है कि जो कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट्स और जो एक्रोमियम प्रोसेस होता है उन दोनों को आपस में ये सेपरेट करने का काम करता है। कौन काम करता है? सब एक्रोमियम बरसा, करेक्ट। और ये जो एक्रोमियम प्रोसेस और कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट्स है इनको और ये सुप्रा स्पाइनेटस इनको सेपरेट करने का काम करता है। डायग्राम से बताऊंगा कि किस तरह से हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि कोई भी किसी भी तरह की जो स्मूथ मसल्स का मोमेंट है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से। अब किस तरह से होता है डायग्राम से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को देखिएगा। ये हमारे शोल्डर जॉइंट का डायग्राम है। मैंने अभी कहा कि ये है हमारा एक्रोमियम प्रोसेस और ये है कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट्स और ये है एक तरह का कोरेकोइड प्रोसेस। ये तीनों मिलके एक्रोमियम प्रोसेस, कोरेकोइड प्रोसेस, कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट तीनों मिलके कोरेको एक्रोमियम आर्च का फॉर्मेशन करते हैं। जब अपन ने लिगामेंट्स पढ़ा था या तो जब अपन ने फैक्टर अफेक्टिंग की बात की थी तो वहां पे अपन ने देखा था ये सारी चीजें। कि जब मैंने फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बताया था तो वहां पे मैंने एक चार तरह के फैक्टर थे, एक कोरेको एक्रोमियम आर्च था, एक मस्कुलर टेंडिनस कफ था, एक गैलेनोइड लेब्रम था और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। वो चारों तरह के फैक्टर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा देते शोल्डर को। वहां पे मैंने देखा था कि कोरेको एक्रोमियम आर्च, इसको सेकेंडरी सॉकेट ऑफ हेड भी बोला जाता है और उसके अंदर एक्रोमियम प्रोसेस, कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट्स और कोरेकोइड प्रोसेस होता है। तो ये सारे इसको उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहना ये चाह रहा है सब एक्रोमियम बरसा क्या होता है। सब एक्रोमियम बरसा क्या है कि ये जो एक्रोमियम प्रोसेस और कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट्स और ये जो सुप्रा स्पाइनेटस है इनके बीच में आपस में ये सेपरेट करने का इनको काम करता है। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मान लो ये हमारी सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स और ये है हमारा एक्रोमियम प्रोसेस और ये है कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट्स। अगर ये हमारा जो सब एक्रोमियम बरसा है अगर ये प्रेजेंट ना होता तो इस सुप्रा स्पाइनेटस और इनके बीच में एक्रोमियम प्रोसेस और कोरेको एक्रोमियम जो लिगामेंट्स है इनके बीच में यहाँ पे क्या हो जाता, फ्रैक्शन हो जाता है कि नहीं भाई। अगर ये नहीं होता जिसकी वजह से कुछ मोमेंट होता है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे मोमेंट होता एक्रोमियम प्रोसेस और ये जो सुप्रा स्पाइनेटस है इसके बीच में क्या होता, मोमेंट होता। और मोमेंट होता जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता, फ्रैक्शन डेवलपमेंट होता इन दोनों के बीच में। और जब फ्रैक्शन मतलब ये अगर फ्रैक्शन डेवलपमेंट होता जिसकी वजह से क्या होता कि ये जो हमारी सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स है इसके डिजनरेशन होने के चांस ज़्यादा हो जाते। तो अब डिजनरेशन होने के चांस ज्यादा क्यों हो रहे, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई बरसा नहीं है, दोनों को सेपरेट करने के लिए कोई वो नहीं है,
स्ट्रक्चर नहीं है तो ये आपस में फ्रैक्शन डेवलपमेंट होगा। तो इसी फ्रैक्शन को कम करने के लिए क्या किया कि एक्रोमियम प्रोसेस और जो ये जो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है इसके बीच में एक बर्सा प्रेजेंट होता है। अगर बर्सा होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन डेवलपमेंट ही नहीं होगा और फ्रिक्शन कम होगा। अगर फ्रिक्शन कम होगा इसका मतलब है कि ये जो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है इसके डिजनरेशन होने के चांस भी कम हो जाएंगे, इसलिए बर्सा प्रेजेंट होता है। और ये जब और बर्सा प्रेजेंट हो जाने की वजह से ये स्मूथ मसल से उसका मोमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। करेक्ट, समझ में आ गया। उसके बाद में दो तरह के और बर्सा होता है, सब स्केपुलर बर्सा। सब स्केपुलर बर्सा मतलब सब एक स्केपुलर जो होती है उसके मसल्स उसके नीचे की तरफ हो जाता है, और इंफ्रा स्पाइनेटस के नीचे की तरफ एक और बर्सा होता है, उसको इंफ्रा स्पाइनेटस बर्सा बोला जाता है। ये भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा कि एक है सब स्केपुलर बर्सा, एक तो ये वाला बर्सा है सब एक्रोमियम बर्सा, और एक है जो हमारी ये सब स्केपुलर है मसल्स इसके नीचे की तरफ है, यहाँ पे ये बर्सा आपको दिख रहा होगा रेड कलर से, तो ये है एक तरह का सब एक्रोमियम बर्सा क्योंकि सब एक्रोम के नीचे है, और ये एक इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स है जो रोटेटर कफ जो मस्कुलर टेंडिनस कफ अपन ने पढ़ा था सिड्स एक निमोनिक्स है, तो वहां तीन चार तरह की थी, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस माइनस और सब स्केपुलस। ये जो सुप्रा इंफ्रा और टेरिस माइनस थी ये मैंने कहा था कि ये ग्रेटर ट्यूबरकल्स के अंदर इंक्लूड होती है और ये लेजर ट्यूबरकल्स की मसल्स है। अब तो यहाँ पे ये इसके नीचे एक बर्सा है तो इसको इंफ्रा स्पाइनेटस बर्सा बोल दिया, और इसके नीचे है तो इसको सब स्केपुलर बर्सा बोल दिया, और ये एक्रोमियम के नीचे है तो सब एक्रोमियम बोल दिया। करेक्ट, तो ये तीन तरह के बर्सा हो गए। अब रिलेशन के बारे में बात करता हूँ, तो रिलेशन को मैं पहले एक डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में अपन देखेंगे कि इसके जो थ्योरिटिकल पोर्शन है वो देखेंगे। तो थ्योरिटिकल कुछ भी नहीं है, बस अपन को अगर डायग्राम क्लियर हो गया ना अपना तो थ्योरिटिकल पोर्शन अपना अपने आप लिख सकते हैं। देखो, अब ये जब शोल्डर जॉइंट है तो ये चार तरह की सुपीरियर पोजिशन, ये इसकी इंफीरियर, ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर, तो चार तरह के रिलेशन देखेंगे अपन, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। सबसे पहले अपन देखेंगे सुपीरियर। सुपीरियर कौन कौन प्रेजेंट होता है, देखो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, ये वाला प्रेजेंट है एक्रोमियम प्रोसेस, कोरिकोएक्रोमियम लिगामेंट्स और ये एक तरह का कोरिकोइड प्रोसेस। तो ये तीनों को अपन ने क्या बोला था, तीनों को अपन ने बोला था कोरिकोएक्रोमियम आर्च। तो कोरिकोएक्रोमियम आर्च एक तो ये सुपीरियर रिलेशन में ये इंक्लूड हो गया। करेक्ट, सेकेंड ये हमारी सुप्रा स्पाइनेटस है, ये मसल्स ये भी हमारे सुपीरियर रिलेशन के अंदर इंक्लूड हो रही है। तीसरी ये हमारे जो डेल्टोइड मसल्स है उसके एंटीरियर फाइबर है और इस साइड है पोस्टीरियर फाइबर, तो जो एंटीरियर वाला तो इंक्लूड होता है सुपीरियर के अंदर और पोस्टीरियर और पोस्टीरियर वाला इंक्लूड होता है इस पोस्टीरियर के अंदर। तो इसके अंदर एक इंक्लूड हो गया हमारी डेल्टोइड मसल्स, करेक्ट, उसका एंटीरियर फाइबर। तो एक डेल्टोइड इंक्लूड हो गया, एक सुप्रा स्पाइनेटस इंक्लूड हो गया, एक कोरिकोएक्रोमियम आर्च इंक्लूड हो गया, और एक इंक्लूड हो जाता है क्या हमारी और एक क्या हो जाता है सब एक्रोमियम बर्सा। ये सब एक्रोमियम बर्सा भी इसके अंदर रिलेशन में इंक्लूड हो रहा है। तो चार तरह के स्ट्रक्चर है जो सुपीरियरली रिलेशन में आते हैं। अब मैं बात करूंगा हमारे इंफेरियर रिलेशन के बारे में। अगर इंफेरियर रिलेशन की बात की जाए तो इंफेरियर रिलेशन के अंदर एक तो है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, ये आ रहा है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, और दूसरा है एक ये हमारी है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ आर्टरी और वेन है। अब जब पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और वेन, पोस्टीरियर सर्कल आर्टरी है, आर्टरी होगी तो वेन भी होगी, तो ये वाली आर्टरी को अपन रेड से डिनोटेट करते हैं, वेन को अपन ब्लू से डिनोटेट करते हैं और नर्व को येलो से डिनोटेट करते हैं। एनाटोमिकल के कलर कोडिंग है ये। तो ये तो हो गई पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस वेन हो गई, और अगर आर्टरी है वेन है तो नर्व भी होगी, ये है एक्सिलरी नर्व। जो ये तीन तरह के जो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं ये इंक्लूड होते हैं हमारे इंफेरियर। अब उसके बाद में सुपीरियर रिलेशन बात कर ली, इंफेरियर रिलेशन बात कर ली, अब अपन बात करते हैं हमारे एंटीरियर रिलेशन के बारे में। एंटीरियर रिलेशन के अंदर एक तो इंक्लूड होता है सब स्केपुलर मसल्स, ये एक इंक्लूड होता है कोरिको ब्रेकिलिस, और एक ये बाइसेप का शॉर्ट हेड, क्योंकि लॉन्ग हेड है ना ये लॉन्ग हेड, तो ये वाला इसके अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, तो ये शॉर्ट हेड वो एंटर रिलेशन के अंदर इंक्लूड होता है। जबकि अपन देखेंगे कि जो लॉन्ग हेड है ना वो विद इन द जॉइंट के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, ये तो बाहर की तरफ है ना, और ये जो लॉन्ग हेड है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा आप।
एक तो इसके अंदर भी चार स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं, सब एक सब स्केपुलर हो गया, कोरेको ब्रेकिलिस हो गया, और एक शोटेड बॉब बाइसेप हो गया, और एक इंक्लूड हो जाता है क्या, ये एक डेल्टोइड फाइबर, एंटेरियर फाइबर है डेल्टोइड का, ये इंक्लूड होता है क्योंकि ये इसके अंदर भी इंक्लूड हो रहा है, इसके अंदर भी इंक्लूड हो रहा है, और ये वाला इसके अंदर भी इंक्लूड हो रहा है। तो डेल्टोइड मसल्स एंटेरियर रिलेशन में भी आएगी, सुपीरियर रिलेशन में भी आएगी, पोस्टीरियर रिलेशन में भी आएगी। फर्क इतना सा है कि सुपीरियर रिलेशन में उसके और एंटेरियर रिलेशन में उसके एंटेरियर फाइबर आ रहे हैं, और पोस्टीरियर रिलेशन में उसके पोस्टीरियर फाइबर आ रहे हैं, करेक्ट। और अब ये देख लिए अपन ने, तीन रिलेशन देख लिए, तो उसके बाद में अपन बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर एक दिख ही रहा है आपको इंफ्रास्पाइनेटस, एक इंक्लूड होता है टेरिस माइनर, और एक इंक्लूड होता है पोस्टीरियर फाइबर डेल्टोइड का, मतलब डेल्टोइड मसल्स। और ये अपन ये भी बोल सकते हैं कि एक और इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर इंफ्रास्पाइनेटस बरसा है, वो भी इंक्लूड हो रहा है, करेक्ट हो जाएगा। अब ये हो गई हमारे हमारे पूरे जो रिलेशन है उनके बारे में बात। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये हमारा गैलेनोइड लेब्रम है, ये बाहर वाला ब्लैक कलर वाली जो लाइन है, ये शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट के ये बाहर की तरफ ये गैलेनोइड लेब्रम है, और ये अंदर की तरफ गैलेनोइड लेब्रम के अंदर की तरफ यहाँ पे गैलेनोइड कैविटी होगी, और इसके बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, एक कैप्सूल है शोल्डर जॉइंट का, करेक्ट। तो यहाँ पे एक बाइसेप का एक टेंडन प्रेजेंट होता है, और लॉन्ग हेड ऑफ टेंडन प्रेजेंट होता है, तो ये विद इन द कैविटी के अंदर जॉइंट के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये सारी रिलेशन के बारे में बात करी, एक फटाक से इनके थ्योरी देख लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे अपन इसके ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और इसके मोमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिलेशन की, बात कर ली अपन ने, बस यहाँ पे थ्योरिटिकल जो पोर्शन है वो थ्योरिटिकल पोर्शन देखूंगा मैं बस, कि सुपीरियर के अंदर चार स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं, कोरेको, एक्रोमियम आर्च, सब इसके एक्रोमियम बरसा, सुप्रा स्पाइनेटस और डेल्टोइड। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ डायग्राम से, वही चीजें हैं यार, बस लिखने का ये लिखी है मैंने। एंड और इनफेयरली लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकिलिस है, और एक पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स आर्टरी और ह्यूमरल आर्टरी और वेन होगी, और एक एक्सिलरी नर्व है। एंटेरियर रिलेशन के अंदर अपन ने देखा था कि सब स्केपुलर और कोरेको ब्रेकिलिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकिलिस और डेल्टोइड है। शॉर्ट हेड बाइसेप तो एंटेरियर रिलेशन में आती है, जबकि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकिया यही है, एक विद इन द जॉइंट के अंदर आती है, मैंने बता दिया है। पोस्टीरियर की अगर बात करी तो वहां पे इंफ्रास्पाइनेट, टेरिस माइनर और डेल्टोइड है, मैंने कहा था कि इंफ्रास्पाइनेटस बरसा भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं। अब उसके बाद में इसके ब्लड सप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई के अंदर अपन ने कहा था कि जो इंफेरियर रिलेशन के अंदर अपन ने देखा था कि लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप है, तो वहां पे पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमरल आर्टरी और थी, है कि नहीं, तो आर्टरी और वेन थी। तो अब यहाँ पे क्या है कि पोस्टीरियर और एंटेरियर सर्कम्प्लेक्स और ह्यूमरल आर्टरी और वेन, तो होगी ये तो याद रख सकते हैं अपन, एंटेरियर और पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स, ह्यूमरल आर्टरी और वेन, ये पोस्टीरियर वाली थी, उसके मेन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट थी। और दूसरा होता है सब स्केपुलर वेसल्स और एक सुप्रा स्पाइनेटस वेसल्स होता है, सुप्रा स्केपुलर वेसल्स होता है। इसको कैसे याद करें कि यहाँ पे भी सुप्रा स्केपुलर है, यहाँ पे सब स्केपुलर है, तो स्केपुलर तो दोनों ही जगह है कि नहीं, बस यहाँ पे ये सब स्केपुलर है, यहाँ सुप्रा है, तो ये चीज याद रखनी है, यहाँ एक होगा सब और एक होगा सुप्रा, स्केपुलर वेसल तो अपन को पता ही है। अब उसके बाद में नेक्स्ट में बात करना चाहूंगा नर्व के बारे में। तो नर्व मैंने बताई थी कि एक्सिलरी नर्व होती है जो मेन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, दिखा देता हूँ एक बार फिर से दोबारा। तो इसके दो मैंने कहा था कि जो पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स, ह्यूमरस आर्टरी और वेन होती है, ये यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, और एक एक्सिलरी नर्व है येलो कलर से शो कर रखी है, ये मेन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, और एक मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व भी प्रेजेंट होती है, जो चीप नर्व है हमारे आर्म की वो भी इंक्लूड होती है यहाँ पे, और एक है एक मस्कुलो टेंडिनस मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व है, जो चीप नर्व है जो सप्लाई करती है हमारे आर्म को, वो भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं अपन, वो भी इंक्लूड होती है इसके अंदर, नर्व सप्लाई करती है। और एक सुप्रा स्केपुलर नर्व, यहाँ पे सुप्रा स्केपुलर वेजल्स होगा, तो वेजल्स होगा तो इसकी नर्व भी होगी, तो यहाँ पे बस सुप्रा स्केपुलर वेजल्स और नर्व होगी, करेक्ट। तो याद रहेगी चीज़ है। अब मैं बात करना चाहूंगा मोमेंट के बारे में। मोमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि जब मोमेंट के बारे में बात की थी तो मैंने कहा था कि मोमेंट है बॉल एंड सॉकेट टाइप का मोमेंट होता है इसके अंदर, और जब तो शुरू में अपन ने कहा था कि मोमेंट के बारे में बात की थी, तो अपन ने कहा था कि जो शोल्डर जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, मतलब बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, तो इसके अंदर सभी तरह के मोमेंट होंगे। और एक पॉइंट ये भी पढ़ा था, जब अपन ने लिगामेंट्स पढ़ा था तो लिगामेंट्स के अंदर एक कैप्सुलर लिगामेंट्स पढ़ा था, तो कैप्सुलर लिगामेंट्स के अंदर अपन ने कहा था कि ये एक लूज होते हैं,
और लूज होते हैं तो वहाँ पे फ्री मोमेंट परमिट होगा। अगर फ्री मोमेंट परमिट होगा तो सारे तरह के मोमेंट होंगे, मतलब फ्लेक्शन भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा, एबडक्शन भी होगा, एडक्शन भी होगा, दोनों तरह के रोटेशन हो गए, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, और इन सभी को एक साथ एक सरकमडक्शन मोमेंट बोला जाता है। वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।